मुझे पता है बाइबल से कि हर बार परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है। परमेश्वर की इच्छा पता करना सरल है, बट पूरी करवाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं कौन सी चीजें सीख लूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठता की बात। हमारा जो स्क्रिप्चर है वो क्या है, दानियल 6:3 खोल सकते हैं। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम, उत्तम मतलब है श्रेष्ठ, जब यह देखा गया कि दानियल में श्रेष्ठ आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। कोई भी इंसान जो राज्य करना चाहता है, कोई भी इंसान जो प्रतिष्ठा चाहता है, उसके लिए ऐसा वचन है जो गले में तख्ती बना के ढूंढना शुरू कर दे कोई भी इंसान, क्योंकि वचन हमें रास्ता दिखा रहा है। दुनिया हमें अलग रास्ता दिखाएगी कि इसको, इसके साथ बेमानी कर लो, उसके साथ बेमानी कर लो, इसको झूठ बोल लो, उसको झूठ बोल लो। दुनिया अपने अपने रास्ते दिखाएगी, पर परमेश्वर अपना रास्ता दिखा रहा है। सर्वशक्तिमान है और आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सेवकाई के लिए। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद जो आपने हमें दिया है, सीखे और आगे बढ़े। और हम कहते हैं हमारी आत्माएं हमारे मस्तिष्क खुले हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े स्वागत करते हैं, बड़ी स्वागत है आपका। ये छुटकारे का साल है और हम लोगों को छुड़ा रहे हैं, हम दुनिया को छुड़ा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दो चीजें परमेश्वर ने हमसे कही कि जब हम पासा ने ये मैसेज दिया, छुटकारे का साल है, और मैं प्रार्थना कर रहा था, मनन कर रहा था कि प्रभु हमें क्या करना होगा ताकि ये साल हमारे लिए वैसा ही हो जैसा आपके वचनों ने हमारे लिए कहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी कभी ये संभव है कि जो परमेश्वर कहे वो लोगों के जीवन में वैसा ना हो जैसा परमेश्वर चाहता था। सोच के देखिए, परमेश्वर चाहता था कि मूसा इज़राइल के बच्चों को वाचा की भूमि में ले जाए, पर क्या मूसा इज़राइल के बच्चों को वाचा की भूमि में ले जा पाया? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ले जा पाया? नहीं ले जा। मुझे पता है बाइबल से कि हर बार परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है। परमेश्वर की इच्छा पता करना सरल है, बट पूरी करवाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। एक पास्टर की तरह, एक व्यक्ति की तरह मैं कौन सी चीजें सीख लूं ताकि जो साल है छुटकारे का वो वैसा ही हो जैसा परमेश्वर का आत्मा चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने दो चीजें कही, उन्होंने कहा पहला है श्रेष्ठता और दूसरा कहा अनुग्रह। मैंने परमेश्वर कहा ओके परमेश्वर, श्रेष्ठता तो मैं सिखा सकता हूँ, अनुग्रह के लिए क्या करे? तो जितना वचन को जानेंगे, जितनी मेरी पहचान इनके पास आएगी, उतना अनुग्रह भी बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आपकी जो परमेश्वर की पहचान है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी परमेश्वर की पहचान बेहतर होती जाएगी, वैसे वैसे आपके जीवन में उसका अनुग्रह और शांति बढ़ती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठता की। बोली श्रेष्ठता, श्रेष्ठता। और हमारा जो स्क्रिप्चर है वो क्या है, दानियल 6:3 खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 1-2-3 अगर आ गया है तो।
जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम, उत्तम मतलब है श्रेष्ठ, जब यह देखा गया कि दानियल में श्रेष्ठ आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। कोई भी इंसान जो राज्य करना चाहता है, कोई भी इंसान जो प्रतिष्ठा चाहता है, उसके लिए ऐसा वचन है जो गले में तख्ती बना के ढूंढना शुरू कर दे कोई भी इंसान। ये वचन हमें रास्ता दिखा रहा है, दुनिया हमें अलग रास्ता दिखाएगी कि इसको, इसके साथ बेमानी कर लो, उसके साथ बेमानी कर लो, इसको झूठ बोल लो, उसको झूठ बोल लो, है ना, एक घोड़े पे राजकुमार आए उससे शादी कर लो, प्रेज द लॉर्ड, यू नो, दुनिया अपने अपने रास्ते दिखाएगी, पर परमेश्वर अपना रास्ता दिखा रहा है। उसने कहा जब यह देखा गया कि दानियल में श्रेष्ठ आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तो श्रेष्ठता आपकी जिंदगी का हॉलमार्क होना है। बोली श्रेष्ठता हॉलमार्क होना है। हॉलमार्क पता है कैसा होता है? सिस्टम मतलब क्या है? जैसे ना कुछ लोगों की जिंदगी का हॉलमार्क क्या, अगर इसने ये काम किया है तो खराब ही किया होगा। कुछ लोगों की जिंदगी का हॉलमार्क उल्टा ही होता है। बोले इसने किया है तो गलत ही होगा और ये बोल रहा है तो झूठी होगा। पर क्यों समझ में आ रहा है? तो सॉरी मैं गलत एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ, पर वो ज्यादा हैं हमारे आसपास और सही एग्जाम्पल कम है। तो जब हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठता क्या है, हॉलमार्क क्या है, हॉलमार्क कि अगर एक क्वायर में आदमी गा रहा है तो क्या श्रेष्ठता आपका हॉलमार्क हो सकती है? अगर इसने गाया है तो सुंदर ही गाया होगा। अगर इसने बजाया है तो क्या गाया होगा? अच्छा ही बजाया होगा। ये नहीं कि बस मैंने बजाना सीख लिया, बस मैंने गाना सीख लिया, नहीं, जो आपने सीख लिया है अब उसमें आपको श्रेष्ठ बनना है। जिसको आपने सीखने का मन बना लिया है उसमें आपको श्रेष्ठ बनना है। जो आपने करने का मन बना लिया है उसमें आपको श्रेष्ठ बनना है। केवल काम करना काफी नहीं है, काम को श्रेष्ठ होना भी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं, अगर आप साइकिल की दुकान में पंक्चर लगाते हो, आपको पता है कि आप वहां से एक ऐसा टायर बना सकते हो, अगर आपके पास श्रेष्ठता की समझ, जो टायर तेज स्पीड पे भी ना फटे। आपको नहीं पता एक दिन में आप अरबपति बन सकते। अगर आप अपने हर काम में श्रेष्ठता को सोचना शुरू कर, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो उसका एक बहुत ऊंचा लेवल है। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो और आपके दिमाग में श्रेष्ठता है, क्या आपको पता आप एक ऐसी झाड़ू बना सकते हो जो अब तक ना बनी? अगर आप बर्तन भी धोते हो, आपके दिमाग में श्रेष्ठता है, आप बर्तन धोने का एक ऐसा तरीका इजाद कर सकते हो जो आज तक किसी को नहीं पता। अगर आपके दिमाग में श्रेष्ठता है तो, अगर आपने अपने हर काम में श्रेष्ठ होने का मन बनाया है तो, आप टेलर हो, आप एक ऐसा डिजाइन बना सकते हो कि पूरी दुनिया आप ही के डिजाइन को पहनना चाहिए। श्रेष्ठता, आप क्वायर में हो, आप ऐसा गा सकते हो कोई आदमी कहे वाव क्या गाया, पूरी जायदाद तेरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी बोली श्रेष्ठता, श्रेष्ठता सम्मान दिलवाती है, इज्जत दिलवाती है, प्रमोशन लाती है। तो सोचिएगा मत बैठ के कि वो मैं क्या करूं। सिंपल, श्रेष्ठ बनने का मन बना लीजिए, श्रेष्ठ बनने का मन बना लीजिए। और अच्छी बात यह है कि हमें श्रेष्ठता में बुलाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए दूसरा पत्रस, पहला अध्याय तीसरा वचन इज इंपॉर्टेंट। मैंने हमेशा कहा कि लोगों को नहीं पता जब परमेश्वर ने हमको बुलाया तो उसने हमें किस किस चीज में बुलाया। होता ना कि भाई तुम्हें शादी में बुलाया, बोले शादी में तुम्हें किस लिए बुलाया? झाड़ू लगाने बुलाया, फूल लगाने बुलाया, खाना खाने बुलाया, प्लेट साफ करने बुलाया, आखिर किस चीज में बुलाया? तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। बोली परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। पर देखते हैं परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए बुलाया है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। देख सकते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, बोली सब कुछ,
बोली परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। हेलो हेलो हेलो, बोली परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। सही, यानी आपके पास घर होना चाहिए बड़ा, परमेश्वर को पता है, और आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, वो भी पता है, और उसने दोनों दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, इसका मतलब है जो जीवन और भक्ति के लिए चाहिए, हमें, बोलिए हमें, उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यानी ये सब किसमें है? यीशु मसीह की पहचान। तो अगर कोई यीशु मसीह को नहीं पहचानता है तो वह सारी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, क्योंकि सारी वस्तु किसके अंदर है? यीशु मसीह की पहचान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसकी पहचान में है? यीशु मसीह की पहचान। बोली यीशु मसीह की पहचान। विकार बहुत से लोग कहते हैं मैं क्यों बाइबिल पढूं, मैं क्यों अपना समय खराब करूं, मैं तो बस जानता हूं यीशु के नाम में चीजें बदलना। मैंने यीशु के नाम में चीजें बदलना और यीशु मसीह को पहचानना दोनों अलग अलग बातें। सो बाइबिल क्या कह रही है? कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया उसी की पहचान के द्वारा दिया। सवाल है कि आप यीशु मसीह को पहचानते? क्या आपको पता है वो कैसा है, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, वो कैसे काम करता है? और इसमें समय लगता है। ये पहचान आपके वो संडे संडे 8 बजे आकर और 10 बजे भागकर नहीं कर पाओगे। मैंने कहा पति पत्नी रोज 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी नहीं जानते, तो सोच के देखिए कि साथ में सोए उठे गाए बाए फिर भी पति पत्नी को नहीं जानता, पत्नी पति को नहीं जानता, इसमें टाइम लगे। प्रेज द लॉर्ड, वहां पर आपके दिमाग में होना पड़ेगा कि मुझे यीशु मसीह को पहचानना है। बोलिए मुझे यीशु मसीह को पहचानना है। और यह आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना हो सकती है। ओके, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान, बोली यीशु मसीह की पहचान, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, और सद्गुण में बुलाया है, एक्चुअली के अनुसार नहीं होना चाहिए, उसे ये होना चाहिए जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण में बुलाया है। इंग्लिश में क्या लिखा है? Through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. हमारा है ना कि महिमा के अनुसार। इसका मतलब क्या है? महिमा में बुलाया है। Precious, गलत तो नहीं? महिमा में बुलाया, महिमा के अनुसार बुलाया। तो कभी कभी ट्रांसलेशन मुझे समझ में आता है कि सही नहीं है उतना। तो बोलिए परमेश्वर ने मुझे महिमा और सद्गुण में बुलाया है। और जो शब्द वहां पर सद्गुण है वो ग्रीक में अगर आप उसको जाएंगे तो वो है श्रेष्ठता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बोली परमेश्वर ने मुझे श्रेष्ठता में बुलाया है। बोली श्रेष्ठता में मैं बुलाया गया हूं। क्योंकि अगर आप श्रेष्ठता में नहीं बुलाए गए हो तब आप श्रेष्ठ बन भी नहीं सकते। ये चीजें बुलाहट हैं, इनविटेशन के द्वारा। कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता अगर परमेश्वर ने उसको बुलाया ना हो। कोई भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता जब तक उसको श्रेष्ठता में बुलाया ना गया। तो यही कारण है कि हमारे आसपास दुनिया में बहुत कम हैं जो सही उदाहरण हैं और बहुत सारे हैं जो गलत उदाहरण हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे आसपास हैं वो यीशु मसीह को जानते भी नहीं हैं और उन्हें यह भी नहीं पता है कि श्रेष्ठता में काम करना एक बुलाहट है। लिखा है मां जिसने हमें अपनी ही महिमा और श्रेष्ठता में बुलाया। तो अगर किसी को श्रेष्ठ बनना है तो पहले उसको श्रेष्ठता के लिए क्या होना पड़ेगा? बुलाहट। क्या होना पड़ेगा? बोली परमेश्वर ने मुझे श्रेष्ठता में बुलाया है। बहुत बड़ी चीज है। बोली परमेश्वर ने मुझे श्रेष्ठता में बुलाया है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने आपको प्रमोशन में बुलाया है, सफलता में बुलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वाह वाह। बोली मैं श्रेष्ठता के लिए बुलाया गया हूं। मैं केवल श्रेष्ठ काम कर सकता हूं। मैं श्रेष्ठता के लिए बुलाया गया हूं। सोच के देखिए ये हम कहां बुलाए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा 8 से पढ़ लेते हैं। हिंदी में सब चीजें ऊपर नीचे कर रखी हैं। क्योंकि यदि ये बातें, बोली यदि ये बातें तुम में बनी रहें और बढ़ती जाएं। अभी हम पढ़ेंगे कौन सी बातें, सही ना? अभी हमने वो नहीं पढ़ी कौन सी बातें हैं। हम आगे चले गए फिर पीछे जाएंगे। क्योंकि यदि ये बातें तुम में बनी रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मी और निष्फल ना होने देंगी। देखिए आप क्या बात कर रहा है, वो यीशु मसीह की पहचान। क्योंकि सब कुछ इसमें है, यीशु मसीह की पहचान।
यीशु मसीह की पहचान। तो अभी जो बातें हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये बातें क्या हैं, हमारा इरोजन से होता ना, जैसे पेड़ में जड़ होती है, जड़ पेड़ को गिरने से रोकती है, जड़ पेड़ को मिट्टी में बांधे रखती है, वैसे ये बता रहा है। ये बातें जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ये अगर तुम में बनी रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मी और निष्फल नहीं होने दी। बहुत से लोग यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों, पर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसको जानना है उसको उन्होंने नहीं जाना। वो यीशु मसीह की पहचान में क्या है, निकम्मे और निष्फल, क्योंकि जो चीजें उनको पर ध्यान देना चाहिए था उन्होंने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। और सब कुछ किसमें है, यीशु मसीह की पहचान। बोली सब कुछ यीशु मसीह की पहचान में। खुश होकर बोली सब कुछ यीशु मसीह की पहचान में। भूलेंगे तो नहीं, तो पति को जितना जानते जाएंगे प्यार उड़ता जाएगा शायद, और यीशु मसीह को जितना जानते जाएंगे, कभी कभी होता ना कि हम कुछ चीजें ना जाने तो हमारा दूसरों के लिए प्रेम बना रहता है, कितना समझ में आ रहा है। हेलो 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 हेलो, सच नहीं है क्या? कुछ चीजों पर पर्दा ही डाल दे तो अच्छा है, नहीं तो उस इंसान को हम दो चपाट मार कहेंगे जान निकल जा मेरी जिंदगी से। पर यीशु मसीह की पहचान ऐसा नहीं होगा। जितना आप यीशु मसीह को जानेंगे उतना ही आप सफल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु की पहचान सफलता देगी, फल देगी। खुश होगी बोली ना, बोली यीशु की पहचान सफलता देगी, फल देगी। तो आपने मोबाइल सही करना सीख लिया है तो आप मोबाइल सही कर सकते हो, आपने ये ज्ञान ले लिया है, पर यीशु मसीह का ज्ञान गिराक दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया? आपने बिजनेस करना सीख लिया, दुकान खोल ली है, पर यीशु मसीह की पहचान ग्राहक ला सकती। आपकी योग्यता ग्राहक नहीं लाएगी, यीशु की पहचान ग्राहक ला सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों समझ में आ रहा है? मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, लाइफ की सीक्रेट। तो बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर यीशु को नहीं पहचानते, मैंने कि मेहनत घर चला सकती है और पहचान राजा बना सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी आपके ऊपर, आप क्या चाहते हो, घर चलाना चाहते हो या राजा बनना चाहते हो, आपको निर्णय लेना है। बहुतों ने वो निर्णय बोले नहीं नहीं बस अपन ऐसे ही अच्छे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी बात है, सही ना? ये बातें क्या है, आगे बढ़ते नौ भी, नौ नौ नौ, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है। तो अगर आपने उन बातों को नहीं ध्यान दिया तो वो इंसान जिंदगी भर क्या रहेगा, अंधा। और आपको देखना पड़ेगा। यीशु परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा, जहां तक तेरी आंखें देख सकती, जहां तक तेरी आंखें देख सकती। अगर वो चीजें आपको नहीं पता है, आपको दिखाई भी कम देगा, आत्मा में आपके सपने भी छोटे होंगे, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। वो भूल गया है कि वो महिमा में बुलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भूल गया है कि वो महानता में बुलाया गया। हालेलुया। वो भूल गया। और बहुत से लोग भूल जाते, बहुत से लोग फिर वही दाल रोटी चावल रोटी कपड़ा और मकान, इंसान के हैं तीन काम, रोटी कपड़ा और मकान इंसान के हैं तीन काम, भूल जाते हैं। बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, बहुत जल्दी। और कहां चले जाते हैं, इंसान की तरह जीने। तो जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। नेक्स्ट। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि तो यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। तो अपने बुलाए जाने, बोले अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, यानी आप प्रूव करके दिखाते हो आप बुलाए गए। आप नहीं कह सकते मैं यीशु मसीह में बुलाया गया हूं और दिन में 100 झूठ बोलता हूं। ये आपने बुलाए जाने को सिद्ध नहीं। आप नहीं कह सकते मैं मसीह हूं और मैंने 4 लोगों को धोखा दिया। ये बुलाए जाने को आप सिद्ध नहीं कर।
हो, मैं मसीह हूं पर मुझे यह भी नहीं पता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहां पे है, उत्पत्ति की पुस्तक कहां पे है, मुझे पता ही नहीं बाइबल में कौन सी चीज कहां पे, मुझे आत्माएं जीतना नहीं आता है, मैंने कभी दशमांश दिया ही नहीं। अभी हमने कहानी सुनी, गवाही सुनी इस महिला की, उन्होंने जमीन बेची थी अपनी, बड़ा अमाउंट था, अमाउंट नहीं बताऊं, जमीन बेची उन्होंने अपनी पूरी गांव में, सोच सकते दशमांश कितना हो, उनको पता था अगर मैंने इतना दशमांश दिया तो सास और पति सब मेरे सर पे लड़ने वाले। उसने कहा नहीं, मैं अपना दशमांश देके रहा, बहुत बड़ी अमाउंट है, अमाउंट नहीं बोली, पूरी जमीन बेच के आया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना दशमांश देके रहा हूं। तो कुछ लोग भाग जाते, वो अपनी सैलरी का 16,000 का दशमांश दे सकते और जब कुछ बड़ा करते हैं निकल जाते हैं, निकल जाओ, वो बड़ी चीजों का दशमांश कभी नहीं दे। तो उस महिला ने दिया और हमने गवाही सुनी, उनका पूरा का पूरा परिवार मरने से बच गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं इंसान अपने प्राणों के बदले में क्या देगा। हालेलुया, पहचान। तो उसने कहा हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके जीवन से मसीह दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं आप, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके जीवन से कौन दिखाई दे, मसीह, मसीह की बुद्धि, मसीह का प्रेम, मसीह का ज्ञान, मसीह के फल, मसीह की सिद्धताएं। हालेलुया, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत आपने नौकरी में नहीं की उससे ज्यादा मेहनत आपको अपने अंदर से इन चीजों को दिखाने के लिए करनी पड़ेगी, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे, सिद्ध तरीके से। ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए कि वाओ, ये आदमी है करेगा तो मेहनत। कितने लोग हैं मेहनत करने को तैयार? खैर, नेक्स्ट। इस कारण, किस कारण, कारण कौन सा है जो अभी हमने पढ़ा, उल्टा चल रहा है, सही ना, कौन सा कारण था कि आप निकम्मे ना हो, निष्फल ना हो, सब तरह के आप आगे बढ़ते जाओ, सही है। उसने कहा इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न, यत्न शब्द हम वहां भी देख के आए थे ना, उसने कहा तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण क्या है ये, श्रेष्ठता। सबसे पहली चीज जो वो कह रहा है एक विश्वासी के जीवन से दिखनी चाहिए वो क्या है, श्रेष्ठ। तो आप श्रेष्ठता को हल्के में नहीं ले सकते, वचन भी कह रहा है, जब आपने कहा मैं मसीह हूं अब श्रेष्ठता दिखनी चाहिए, श्रेष्ठता दिखनी चाहिए। फिलिप्पियों 1:10 यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। कमॉन, यहां पर जो होना चाहिए, जो वर्ड है वहां पर, दैट ही में अप्रूव, जो शब्द है ना अप्रूव, जिसको उन्होंने बोला है प्रिय जानो, वो इंग्लिश में, ग्रीक में वर्ड है डोकिमाजो। डोकिमाजो वो शब्द है जो रोमियो 12 के दूसरे वचन में यूज हुआ है, कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तुम क्या कर सको। पास ने बताया ना कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह आप जान जाओ क्या सही और क्या गलत है, और अब अपनी दुनिया में केवल क्या होने देते हो, सही चीजें होंगी। कितने को याद है पास्टर का एक्सप्लेनेशन, सुनते हैं वचन की नहीं सुनते, ऐसे सुन रहे हैं, हाँ गर्दन तो हिलाई दो, बोलने में क्या जाता है, मुझे पता नहीं पता। तो पास्टर ने बताया, चलिए रोमियो 12:2, ओके, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, सही है। तो उसने बताया कि अगर तुम बदले हो, तुमने कहा है मैं यीशु में हूं, तो तुम्हारा जीने का तरीका भी बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। उसने पहली चीज कर, तो सिद्धता की बात कर रहा है, उसने कहा इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, सही, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वहां पर लिखा है प्रूव, दैट ही मे प्रूव, और प्रूव जो शब्द है वो है डोकिमाजो, उसका मतलब क्या होना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को जांच सको, क्या कर सको, अनुभव से मालूम करते जगह क्या होना चाहिए, जांच सको, जांच सको। वहां पर पास्टर ने बताया जांचने का मतलब क्या है, जैसे कस्टम होता है ना, आप सिक्योरिटी लाइन में होते हैं, गए ना, तो रेलवे में भी होता है ना सिक्योरिटी लाइन, सिक्योरिटी तो कोविड में सबको पता लग गया ना, टू 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 बजता है और कहता है ये क्या लेके जा रहे, तो वो क्या कर रहा होता है, जांच रहा होता है, क्या कर रहा होता है, आपको जांच रहा होता है,
और जो चीज सही नहीं है वो आपको अंदर लेके आने नहीं देता है। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव उसको जांच सको, ताकि तुम अपनी जिंदगी में और दुनिया में केवल वही होने दो जो परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? और यही वो शब्द जो फिलिपियों 1:10 में है, चलिए चले चलते हैं। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को जांच सको। प्रेज द लॉर्ड, बोले उत्तम से उत्तम बातों को जांच सको और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। और यहां पर वो क्यों कह रहा है कि जांच सको, ताकि तुम खुद केवल श्रेष्ठता को दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, बोले मुझे श्रेष्ठता को दिखाना है, मुझे श्रेष्ठता को दिखाना है, मुझे श्रेष्ठता को दिखाना है। सुन रहे हैं आप? श्रेष्ठता को दिखाना है। पहले आपको श्रेष्ठता पता करनी है और फिर श्रेष्ठता को दिखाना है। यह आपके लाइफ का एम होना है, श्रेष्ठता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अपना मन बना चुका हूं उस बुलाहट में जीने का जिसमें मैं बुलाया गया हूं। और किसी के लिए भी श्रेष्ठ बनना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है, श्रेष्ठता में बुलाए गए, ऑलरेडी हम वहां पर हैं। तो वो सच्चाई जानते हैं पर सच्चाई में जीना नहीं चाहते। तो आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, जो बाइबल में आप देखते हो वो आपके जीवन में भी हो। अगर बाइबल कहती है कि आप बढ़ सकते हो हर चीज में, क्या आपका भी मन है हर चीज में बढ़ने का? बाइबल कहती है दो लोग जब तक एक मन के ना हो जाएं साथ साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता, पर क्या आप अपने आप को बढ़ाना चाहते? कितने लोग बढ़ना चाहते? थैंक यू। मान दूसरी चुनौती क्या है, लोग अपने ही तरीके से बढ़ना चाहते, परमेश्वर के तरीके से नहीं बढ़ना। इसीलिए पूछ रहा था कितने लोग बढ़ना चाहते, पर अगला पूछूंगा अपने तरीके से कि परमेश्वर, तो बोलेंगे अपने ही तरीके से, बस हम 1 घंटा आया करें और 2 घंटे सो जाया करें और बस ऐसे ही बढ़ जाएं हम। ऐसे नहीं बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको परमेश्वर का तरीका भी लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो परमेश्वर बढ़ाए, तो परमेश्वर का तरीका है बढ़ाने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं, आप चाहते हो आपका बच्चा पढ़ ले, क्या कर ले, और आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया और स्कूल में गए, मैडम देखो मेरा बच्चा है 8 बजे आएगा, 8:30 बजे सो जाएगा, फिर 9:30 बजे आपको उसको खाना खिलाना है, फिर 10:30 बजे से क्रिकेट खेलने जाना है, और फिर साल के आखिर में मेरा बच्चा क्लास में टॉपर होना चाहिए। मैंने कहा कि भाग यहां से, लेकिन पर लोग अपनी जिंदगी में यही करते हैं, प्रभु मुझे बढ़ने का है पर उठने का टाइम नहीं है, प्रभु नींद अच्छी आनी चाहिए 12 घंटे की। वाह वाह, धन्यवाद, धन्यवाद हो आपका। प्रभु बढ़ाओ पर मेरे तरीके से बढ़ाओ, सोते सोते बढ़ा दो। बोलिए प्रभु बढ़ाएगा अपने सिस्टम से, अपने तरीके से, और वो मुझे पता है। सही है? प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु अपना सिस्टम किसे बताएगा? मैंने कहा आप तो प्रभु नहीं जानते, उसका सिस्टम क्या जानोगे? मुझ में बता दूंगा उसका सिस्टम कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम कहते हैं बुराई मत करो, परमेश्वर बुराई नहीं सुनता है, तो उसके स्वर्गदूत भी सुनने वाले नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सुनने वाले बहुत से लोगों ने, अपने स्वर्गदूतों को क्या बना दिया, बहरा, टेम्परेरी, जो उंगली डाल के खड़े, उनके घर में क्या चल रहा है, दिल में मेरे है दर्द रिस्क, दर्द रिस्क, दर्द रिस्क। सरदूत कहते जब गाना बंद हो जाता बंदर आते हैं, उन्हें वो चीजें सुनना पसंद नहीं है, वो सरदूत है। वो क्या गाते हैं, हालेलुया, महिमा, यही गाते हैं ना, और आप क्या सुना रहे हो उन्हें, मेरे दिल के टुकड़े हुए 1000 कोई यहाँ गिरा तो वही वहां, यही चल रहा है घर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करो, बोली श्रेष्ठता, 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 श्रेष्ठता आपको राजा बना देगी। प्रेज द लॉर्ड। बोली श्रेष्ठता राजा बना देगी, श्रेष्ठता राजा बना देगी। दानियल 6:3 आखिरी चीज, काश मेरी पूरी प्रार्थना ये जो मैं बोलने वाला हूँ आप समझ,
अगर समझ लोगे तो आप इतनी जोर से चिल्लाओगे, इतनी जोर से चिल्लाओगे कि पड़ोसी भी आके कहेंगे क्या हुआ था जो आपको बताने वाला। एक ही लाइन है पर आपके ऊपर, आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा और होने दीजिए कि रेस्पॉन्स अच्छा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही लाइन है पर आपके ऊपर है कि आप उस लाइन को पकड़ पाओगे और उसके साथ जी पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जब ये देखा गया आपके पास है, ये तो आपने तोड़ फोड़ के सब सिखा दिया था, इसमें बचा क्या है? बहुत जूस है इसमें अभी, सही है, उसने का थोड़ा ही निकाला था। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर ठहराएं। सुनना चाहते हैं क्या? क्यों सुनना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं? एक ही लाइन है बस। प्रेज द लॉर्ड। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा, आपको है क्या इसमें? ऐसा चिंता मत की, है इसमें ही है, इसी से मिलेगी। क्यों? अगर आपने ये लाइन समझ ली, ये लाइन आपको पता नहीं कहाँ पे लॉन्च कर देगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर ठहराए। ओ फिर से पढ़िए, 1 2 3। हाँ, श्रेष्ठता के साथ जो सबसे बड़ी चीज है जो यहां पे दिख रही है, जो सबसे बड़ी चीज मुझे इसलिए वचन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे वचन, क्योंकि ये वचन मुझ पे से सीमाएं हटा देता है, ये वचन मुझे वन मैन आर्मी बना देता है। इस वचन के साथ मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे दुनिया की जरूरत है, क्योंकि इस वचन मुझे दिखाई देता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति काफी है एक देश को चलाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक केवल एक, एक। अब सवाल है क्या वो आप एक बन सकते हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आदमी देश चला रहा है और दूसरे वाले भी उससे चलना चाहते हैं। सोच के देखिए, राजा भी सोचा था यही, बस राजा ये नहीं कह पाया होगा तू मेरा राजा बन जा। तो राजा को, राजा क्या सोच रहा था कि मेरा राज कौन चला ले? ये राजा, यानी राजा को समझ में आ गया था मुझसे बेहतर राज चलाने के लिए कौन है? ये साथ है, कितने लोग मेरे साथ नहीं है। मेरा मन किसमें? अगर मैं वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया, मैं अकेला काफी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या हूं? बोली अन्य भाषाओं में रेशा थाला आंध्रा रींद्र लाम प्रगाजा शादीला रींद्र लाम प्रगाजा रेशादी। ये समय भेद दशमांश पार्टनरशिप बीज को बोने का, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर का अपने हाथों को उठाकर। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, धन्यवाद इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते धन्यवाद देते भेंट लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए, जैसे हमने ये भेंट आपके वचनों के अनुसार दी है, आपके वचनों के अनुसार इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं राज के विस्तार में, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और जोर चला सकते हैं, महिमा महिमा महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था
अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है, अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। अपने अपने हाथों को उठाकर प्लीज धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। हाई फाई दे सकते, बोले आनंद मनाइए, वचन काम करता है और मैं वचन पे चलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।